देखिए, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पे चर्चा हुई और बैठक के समाप्त होने के बाद मैं साफ तौर पर यह बात रखना चाहूँगा कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है, वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर, देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आंकड़ा चाहिए वो हो जाएगा पूरा, रोकने के लिए जो आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में। देखिए, इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है, वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा। और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, बहुत बहुत शुक्रिया।